अच्छा सर, ये एक वो जो शॉर्ट निकाला है कि जिसमें जो खातून थी यानी जो लेडीज सरपंच थी उनके आगे कोई और यानी उनके घर वाले या कोई और लोग आके अपने आप को सरपंच बताते थे, इस ऑर्डर से आप कितना खुश हैं? सबसे पहले तो राही जी, मैं एसडीएम साहब को इस बात की बहुत बड़ी मुबारक देना चाहता हूं अपने सनातन की ओर से कि ये जो ऑर्डर निकाला है एसडीएम साहब ने, हम भी सुनते थे कि जो लेडीज़ हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो सरपंच का इलेक्शन कंटेस्ट करके जीती हैं, तो उनको कोई आगे आना ही नहीं देता था। जो उनके बाकी के रिश्तेदार थे वो आगे आ जाते थे, लेकिन वो जो हमारी बहनें थी वो पीछे रह जाती थी। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई लेडीज़ आगे निकले तो अपना काम खुद करे, तो वो उनका फ़र्ज है कि आगे आना, स्टेज पे आना और अपना काम खुद करना। तो सबसे पहले इसकी जो मैं मुबारक है एसडीएम साहब को देना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब ने इतना बड़ा ऑर्डर निकाला और मुझे इतना यकीन है कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी एसडीएम साहब करवाएंगे। तो मैं जो हमारी माताएं या हमारी बहनें जो सरपंच जीती हुई हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप खुद आगे निकलो, जो भी काम है, आप जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोगों ने आपका चेहरा देख के वोट दिया था, तो अब मज़ा यह है कि आप उस चेहरे का जो है उन लोगों को जवाब दो कि आपने अगर हमें वोट दिए तो हम आपका काम करेंगे। क्योंकि जो लोग भी हैं आगे आपका काम करते हैं, उन गरीब लोगों तक वो काम आपका नहीं पहुँचता है, तो वो लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो ये एसडीएम साहब को मैं पूरी सनातन की ओर से, पूरी मेंढर की हिंदू मुसलमान की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एसडीएम साहब ने ये ऑर्डर निकाला और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। क्या सर खुश हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। मैं सबका सरपंच भी हूँ और मैं रिलां का रहने वाला हूँ। जो एसडीएम ने ये जो चीज़ निकाली है, इस पर हम बहुत बड़े खुश हैं, क्योंकि वो जो सरपंच बनी हुई थी वो बेचारी अपने घर ही बैठे रहती थी और बाद में ये लोग आकर अपना मुफा उठा कर चले जाते थे। और एसडीएम ने जो ये बात की है, हम इस पर बहुत बड़े खुश हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। लोगों की शिकायत यह है कि ये आम लोगों का काम नहीं करने देते, इसके लिए आप क्या कहें? बिल्कुल, ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं मेरे पास काफ़ी अर्सा से आ रही हैं कि जहाँ पे भी हमारे फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर सरपंचेज या बीडीसीज हैं, उनकी जगह उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे उसका फादर है, भाई है, घरवाला है, फादर इन ला है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिस में आके अपने आप को सरपंच, और उस औरत को जो बेचारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको कभी ऑफिस या ऑफिशियल वर्क में जो है इन्वॉल्व करते नहीं हैं। इस सिलसिले में मैंने बड़े गंभीरता से इस चीज़ को लिया और एक ऑर्डर जो है आज मैंने अपने ऑफिस से जारी किया कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके घर की औरत सरपंच है या पंच है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके बिहाव में किसी ऑफिस में आके वो कोई काम करता है, ऑफिशियल वर्क में इन्वॉल्व होता है, इलीगली इंटरफेयर करता है, तो उस केस में उस बंदे के खिलाफ जो है इमिडिएटली मैंने अपने ऑफिसर ऑफिशियल जितने भी सब डिविजन लेवल पे हैं तो उनको यह हदायत दी है कि उन इमिडिएटली जो FIR उसके खिलाफ लगा दी जाए और उसकी एक कापी हमें भी भेजी जाए ताकि हम भी उसके केस का जो फॉलो अप करें। इस तरह किसी भी बंदे को हम अलो नहीं करेंगे जो किसी की प्रॉक्सी करके आएगा ऑफिस में, अपने आप को जो है वो एक सरपंच या कोई भी पंच या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने आप को घोषित करेगा। इसके लिए मैं अपने तमाम सब डिवीज़न ऑफिसर्स को और पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे बंदे को जो है आप बिल्कुल ओपनली नॉमिनेट कीजिएगा और हमारी नज़रों में लाइएगा, हमें बताइएगा कि इस तरह के अगर कोई काम होंगे कभी भी हम लोगों को इस काम के लिए अलो नहीं करेंगे। सर एक सवाल और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो लेडीज सरपंच जिनको चुना गया है उनको क्या मैसेज दोगे सर? उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, देखो गवर्नमेंट ने फीमेल एम्पावरमेंट के लिए काम किया है तो ये पंचायती राज एक्ट में रिजर्वेशन दी गई है 33% फीमेल्स को। किस लिए दी गई है? इसलिए दी गई है कि उनकी जो एम्पावरमेंट हो सके, वो भी फील्ड में बराबर के हक रखती हैं, वो भी हर शोबे में जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में या दूसरी जगहों पे उनका रिजर्वेशन है, इस तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है उनका, तो वो अपने हकूक का खुद इस्तेमाल करें, ना कि अपना हक जो है किसी दूसरे को दे दें इस्तेमाल करने के लिए। तो उनके लिए मेरी गुजारिश रहेगी वो भी अपने आप को सामने लाएँ, अपना काम खुद करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो
तो जब इलेक्शन होते हैं तो वैसे ही काबिल कैंडिडेट कोई खड़ा कर दिया जाए फीमेल जो ये काम कर सके। यहाँ पे सिर्फ वो खाना पूरी नहीं करनी होती है कि एक वो कोई बंदा खड़ा कर दिया, कोई फीमेल बन गई तो आगे से लंबरदारी उसके घर वाले करेंगे या कोई भी रिश्तेदार करेगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है सर।